हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नवीन कंप्यूटर वर्ल्ड में आपका। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल बनाने का बहुत तरीका है, लेकिन आज ऐसा तरीका मैं बताने वाला हूँ आपको 100% मैं बोलता हूँ कि आप उस चीज़ को नहीं जानते, और आप कोशिश कीजिए इस वीडियो को पूरा देखने का। वीडियो आप लोग पूरा नहीं देखते हैं, इसके कारण से आप लोग को समझने में दिक्कत होती है। चलिए शुरू करते हैं। अगर लगता है आपको हल्का सा भी इस वीडियो से नॉलेज मिला आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले स्टार्ट में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस वर्ड, वहाँ से ओपन कर लेंगे। पेज थोड़ा सा 100% कर देते हैं। देखिए, एक टेबल बनाने के लिए रो और कॉलम का जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले अगर रो और कॉलम कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा, तो सिंपली एक टेबल बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले प्लस साइन देंगे, कॉलम जितना चौड़ा होना चाहिए उतना माइनस दबा दीजिए, फिर से प्लस, फिर माइनस, अगर ज़्यादा चौड़ा रखना है। सबसे पहला हमारा था, ये था रोल नंबर के लिए, ये नेम के लिए। तो नेम कितना बांटेगा, इतना बांट जाएगा नेम, फिर प्लस, यहाँ लिख देते हैं फादर्स नेम के लिए, फिर प्लस, यहाँ लिख देते हैं रोल नंबर हो गया यहाँ पे, और यहाँ लिख प्लस रोल कोड। और लास्ट में फिर से प्लस। देख सकते हैं एक कॉलम यहाँ बनेगा, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा और पांचवा। इंटरप्रेस करते साथ आपके सामने टेबल बन चुका है। यहाँ लिख देते हैं सीरियल नंबर, टैब से अगले बॉक्स में चले जाइए, यहाँ लिख देते हैं नेम, टैब से अगले बॉक्स में आ जाइए, फादर्स नेम, टैब से अगले बॉक्स में आ जाइए, रोल नंबर, रोल कोड। अगला बॉक्स बढ़ाना है, फिर से आपको टैब दबाना है, यहाँ से रोल नंबर 1। इस तरह से आप जितना टैब दबाएंगे उतना बॉक्स आपके सामने बढ़ते चला जाएगा। अब कोई ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ लिखें सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, तो आप यही चीज़ लिखें। अगर आपको ज़्यादा टेबल बनाना है, कम बनाना है, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, इसको डिलीट कर दिए, प्लस पहले दीजिए, माइनस का साइन दीजिए जितना बॉक्स बड़ा बनाना है, फिर से प्लस, माइनस, फिर से प्लस, माइनस, फिर से प्लस, माइनस, फिर से प्लस, माइनस, लास्ट में प्लस होना चाहिए। एक बात का ध्यान देना होगा, शुरू में भी प्लस होना चाहिए और लास्ट में प्लस होना चाहिए। जितना ये प्लस माइनस का बॉक्स नज़र आ रहा है, माइनस लाइन, उतना बॉक्स आपका बनने वाला है। कितना बॉक्स बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5। इतना करने के बाद सिंपली आपको इंटरप्रेस करना है, और जितना बढ़ाना चाहते हैं टैब बटन से आप बढ़ा सकते हैं। देखिए बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। चलिए, ये पहला ट्रिक हुआ। दूसरा ट्रिक, यहाँ से जाना है आपको टेबल बॉटम बॉर्डर में, यहाँ पे सीधे चले जाइए ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में जाने के बाद यहाँ से भी आप टेबल बना सकते हैं। ये पेंसिल आ चुका है, इसको ड्रैग ड्रॉप कीजिए, ऐसे जितना कॉलम बनाना है उतना कॉलम आप यहाँ से बना सकते हैं, जितना रो बनाना है उतना रो बना सकते हैं। एक तरीका ये हुआ, ये दूसरा तरीका हुआ। अब फिर से सीखते हैं तीसरा तरीका, सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं इसको। इंसर्ट में जाना है आपको, यहाँ से टेबल नज़र आ रहा है आपको, ये टेबल, ये टेबल में जाने के बाद जितना रो कॉलम बनाना है आप यहाँ से बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए। रो कॉलम आपके सामने रजिस्टर में देखते होंगे बन रहा है, देख रहे हैं, जितना बॉक्स बनाना है उतना सेलेक्ट कर दीजिए, और जो टाइप करना है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। चौथा तरीका, यहाँ से सीधा हम इंसर्ट में ही जाएंगे, टेबल में जाएंगे, और यहाँ से दिख रहा होगा इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल, कॉलम, कॉलम जो, और आपका कॉलम और रो तो आप लोग जानते होंगे। कॉलम हम चाहते हैं 8 हो जाए, रो चाहते हैं 3 हो जाए, तो यहाँ पे चले जाएंगे रो में और नंबर ऑफ रो 3 कर देंगे, और ओके करते साथ आपके सामने देखिए कॉलम 8 होगा, 1,
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और रो इधर से वन टू थ्री, क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही, टेबल के बारे में बता रहे थे। कोशिश कीजिए आप लोग पूरा वीडियो देखने का, पूरा वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, और आपके एक लाइक से हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमको ये पता चल पाएगा कम से कम कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ताकि हम और वीडियो इस तरीके से बना सकें। चलिए, थैंक यू।